शादी के महज 20 दिन में फौजी होता है शहीद। क्या सोचा था माँ ने, बेटे की शादी करके बहू लाऊंगी, नाती पोते होंगे, सबको खाना खिलाऊंगी, हंसता खेलता परिवार होगा। और शादी के 20 दिन बाद बेटे की मौत की खबर माँ तक पहुँचती है, तो देखिए। अच्छा, ये पुलवाना कहाँ है? हाँ, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अच्छा। और पूजा ठीक है? हाँ, वो ठीक है। अच्छा, तो इधर से बात कर रहा हूँ। इजा फोन आया है। अरे, ये फोन आ रही थी। हाँ, लो। हेलो। हेलो। हाँ इजा, कहाँ पूछ रही थे, कैसे थे? ठीक से इजा, अभी पूछ गई पुलवाना में जा, पहला के। बच्ची रो बाबा, मेरे को पुलवाना कब है? ये जा कश्मीर में, वे कश्मीर में। अरे कश्मीर, कश्मीर वहाँ तो उन लड़का आतंकवादी होना ना। जा, ध्यान रखे, ध्यान रखे आप ना। हो जा, हो फोन लेके ना करे। दे जा, गाड़ी में सिग्नल नहीं होना ही। अच्छा, हो यार, मिल को पूछो ना, करो मिल फोन। हो ठीक, चल किसी नौकरी पे थे, क्या 20 दिन ना हो रहा, बुला हाल फोन में। दे जा, बाबा आयो ना छुट्टी है। हो कब तक छ छुट्टी हो ना? दे जा, जिम है कम से कम, लाग लाग पे पूरी से जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अपन ध्यान रखे भैया, फोन करना रहे। हाँ, हो जा, हो ठीक से भैया, ठीक से भी पूछ पे फोन करो ना। होई पता, ठीक छ, आप ध्यान रखे। हां, होई जा, होई ठीक से पहला का। ठीक छ, ठीक छ, बच्ची रहो बाबा, बच्ची रहो। होई हेलो। हेलो, आप यादव जी के घर से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, बोलिए आप। मैं CRPF की चीफ कमांडेंट ललिता सिंह बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहिए। मैम, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। हाँ, बोलिए। मैम, अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे कई सैनिक मारे गए हैं, उनमें से आपके हस्बैंड भी थे। हेलो, हेलो, हेलो जी, आप कौन? कौन तो कौन जी बच्चा? जी, मैं CRPF की चीफ कमांडेंट ललिता सिंह बात कर रही हूँ। अभी एक हमला हुआ था जिसमें आपके बेटे शहीद हो चुके हैं। आज फिर से 42 घरों के चिराग बुझे हैं, माँ भारती के 42 लाल शहीद हुए हैं। नमन करती हूँ उन 42 लालों की शहादत को, नमन करती हूँ उन शहीदों की शहादत को जो माँ भारती के लिए कुर्बान हुए थे। और पूछना चाहती हूँ एक प्रश्न, सत्ता में बैठे उन दिग्गज। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में 42 जवान शहीद हो जाते हैं, और जिस गोला बारूद से, जिस गाड़ी से 42 जवान शहीद होते हैं, वो गाड़ी आतंकवादियों को कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान से तो बारूद, ना बारूद आ सकता था, ना गाड़ी आ सकती थी, आया तो कहाँ से आया?
जरूर हमारे देश के ही कुछ कुत्ते, गद्दार कुत्ते उनकी मदद कर रहे होंगे, उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बेकसूर देश के लिए मर मिटने वाले हमारे माँ भारती के लाल शहीद होते जा रहे हैं। एक सैनिक की जो अंदर से आवाज आती है वो आपके बीच लाना चाहूंगी, ना हमें छुट्टी दो ना हमें भत्ता दो, ना हमें छुट्टी दो ना हमें भत्ता दो, बस काम यही अब करने दो, चाहे वेतन आधा दो दो, बस उन कुत्तों पे गोली भरने दो, बस उन कुत्तों पे गोली भरने दो। जी हाँ, आज देश का एक एक सैनिक सत्ता में बैठे कुर्सी वालों से बस एक ही मांग कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक। कितने माँ की कोखें सुनी होंगी, कितने सुहागनों का सुहाग उजड़ेगा, कितने बहनों से उनकी भाई की कलाइयाँ छिनेंगी, और कितने बच्चे अनाथ होंगे। अब बहुत हुआ, अब एक बार बोलिए मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने को। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये नारा सर के पार गया। एक दो कौड़ी का जेहादी एक सैनिक को थप्पड़ मार गया, एक सैनिक को थप्पड़ मार गया। आज माँ भारती ने अपने 42 बेटे खोए हैं, और आज शाम को क्या होगा, कैंडल मार्च जाएगी, सभी लोग कैंडल मार्च में जाएंगे और अपनी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक एक कैंडल लगा देंगे और उसमें श्रद्धांजलि लिखा होगा। सभी दुखी हैं और एक दिन के लिए भारत बंद हो जाएगा, फिर दिन बीतेंगे, हफ्ते बीतेंगे और बीतेंगे महीने, फिर ये जेहादी कुत्ते अपनी औकात दिखाना शुरू कर देंगे। अब बहुत हुआ, अब बहुत हो गया है, अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमारी देश की बेकसूर जनता जो पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा करती है और फौज में भेजती है, अगर चेस्ट एक इंच कम हुई ना, फौज से बाहर हो जाते हैं। आज बोरे में भर के उनके चिथड़े घर को आ रहे हैं, तो अभी क्या बोलोगे उन बेकसूर माँ बाप से, ना तुम्हारे बच्चे के चिथड़े लेके आए हैं, कैसा न्याय है ये तुम्हारा? और राजनेताओं, कभी अपने बच्चे को तुमने फौज में भेजा होता तो तुमको इन माँ बाप के दुख का पता होता। तो आज तक किसी भी भारतवासी ने ये नहीं सुना होगा कि इस नेता के बेटे वहाँ शहीद हो गए, सुना नहीं होगा, क्योंकि नेताओं के बेटे फौज में कहाँ जाते हैं, फौज में तो हम जैसे आम आदमी के बच्चे जाते हैं ना, और ना कोई नेता का बेटा शहीद होता है, ना कोई नेताजी शहीद होते हैं, क्योंकि उनका काम तो बस सत्ता चलाना है, नोट छाप के कर ली जेबें गरम और चलते बने। 5 साल तुम करो, 5 साल हम करेंगे, तुम हमारी शिकायत मत बढ़ाना आगे, हम तुम्हारी शिकायत नहीं बढ़ाएंगे, बस खत्म कहानी। ऐसे चल गया हमारा देश, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, बेरोजगारी रहे, रहने दो, कोई बात नहीं, बेरोजगार रहेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई बड़ी बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, हमको चाहिए तो बस इतना सर्जिकल स्ट्राइक, चाहिए तो एक मांग है पूरे इंडिया की, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए और कुछ नहीं। जितने माओं ने अपने बेटे खोए हैं और जितने बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयां खोई हैं और जितनी अभागिनों का सुहाग मिटा है और जितने बच्चे अनाथ हुए हैं, उन सब की ओर से कि अब उनको कुछ भी नहीं चाहिए आपका, बस उनको चाहिए बदला, ईंट का जवाब पत्थर से। आज मौका है, आज टाइम है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। जहां 42 ऐसे बेटे खोए हैं, वहां 42,000 और खोने को तैयार है हमारी देश की जनता। बस आप एक मौका तो दीजिए उन कुत्तों के देश में, उन कुत्तों के घर में घुस के एक एक को काट डालेंगे हमारे देश के जवान। मैं दीप्ति बिष्ट अनुमति चाहती हूँ, बहुत दुख है अंदर से, तो मन कर रहे हैं ना सामने पे आ जाते ना साले, उनको चीर के रख देती, अंदर से तो इतना दुख भरा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सत्ता तो कोई और चला रहे हैं, हम तो क्या है, हम हैं मासूम बेकसूर जनता जो पिसते रहती है, पिसते रहती। कहने को तो बहुत 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 सारा अंदर से इतना भरा पड़ा है कि कहा नहीं जा सकता, बहुत है अंदर से, लेकिन बस इसी के साथ मैं अनुमति चाहती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक जरूर होगी। लास्ट में उन शहीदों को दिल से नमन करती हूँ और
आपकी के साथ मैं दिखती हुई स्टाफ से अनुमति चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ जो आज 42 लाल हमारे देश के खोए हैं हमने उनका बदला लेना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।